नमस्कार, होपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों लगातार जनसभाएं करते नजर आ रहे हैं। गोरखपुर की एक जनसभा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सीएम योगी अपनी ही पार्टी के नेता को फटकारते नजर आ रहे हैं। दरअसल कार्यक्रम के बीच में ही बीजेपी नेता विभ्राट चंद कौशिक सीएम योगी से कुछ कहने के लिए झुकते हैं तो सीएम उनको फटकारते हुए कहते हैं कि चलिए इस समय नहीं, जाकर बैठिए। कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की बात नहीं होगी। इस वीडियो को ट्विटर पर मनीष पांडे नाम के ट्विटर यूजर ने शेयर किया है। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, कभी कभार भौकाल बनाने के चक्कर में बेइज्जती हो जाती है। गोरखपुर में नजदीकी दिखाने के चक्कर में भाजपा नेता विभ्राट चंद कौशिक सार्वजनिक रूप से पा गए फटकार। इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। निधि तिवारी नाम की ट्विटर यूजर हंसने वाली इमोजी के साथ लिखती है कि बाबा जी ने तो गजब डांट दिया। हरिश्याम शुक्ला नाम के एक ट्विटर अकाउंट से लिखा गया कि योगी के अंदर ना तो बाबा वाला संयम है और ना ही प्रेम दया नाम की कोई चीज। यूपी की जनता के ऊपर केवल थोप दिए गए हैं। यही कारण है कि बीजेपी के ज्यादातर नेता अंदर ही अंदर बाबा से नाराज हैं, जो 2022 विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर देखा जाएगा। ओमदत्त यादव नाम के ट्विटर हैंडल से कमेंट आया, ये स्वभाव एक संत का कदापि नहीं हो सकता। श्रेयम भट्ट नाम के ट्विटर यूजर ने कमेंट किया, किसी को फोन दे रखा होगा कि जैसे ही कान के पास जाए फोटो ले लेना, बाद में फेसबुक पर फोटो जाती। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के साथ आगामी विधानसभा चुनाव और देश दुनिया के अन्य मुद्दों पर चर्चा करते हुए, मगर ये हो ना सका। करण दत्त नाम के यूजर लिखते हैं कि इस तरह से बात करना योगी जी बिल्कुल शोभा नहीं देता। साथ ही आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वादों की झड़ी लगा दी है। प्रियंका गांधी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर यूपी की बीजेपी सरकार को लगातार घेर रही है, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान के बेरोजगार लखनऊ में धरने पर बैठे हुए हैं, उन पर वह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं राजस्थान के बेरोजगारों के साथ खड़ी यूपी बीजेपी अपने ही राज्य के बेरोजगारों की आलोचना का शिकार हो रही है। सवाल ये है कि सियासी दल यूपी और राजस्थान के बेरोजगारों को अलग अलग चश्मे से क्यों देखते हैं? आज अपनी ससुराल मुरादाबाद पहुंची प्रियंका गांधी ने मंच से किसान और महिला सुरक्षा से लेकर युवाओं की नौकरी तक का मुद्दा उठाया। उनकी यानी कि प्रियंका गांधी बुलंद आवाज को देखकर ऐसा लगा कि वह लोगों की समस्याओं पर काफी गंभीर है, लेकिन राजस्थान में वह बेरोजगारों को कोई समाधान नहीं दे रही है। राजस्थान सरकार पर भर्तियों को लटकाए रखने का आरोप है। राजस्थान के युवा लखनऊ कांग्रेस ऑफिस के बाहर कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी उनका जिक्र तक नहीं कर रही हैं। चुनावी सीजन में उन्हें सिर्फ यूपी के बेरोजगार ही याद आ रहे हैं। बीजेपी का हाल भी कुछ अलग नहीं है। लखनऊ में राजस्थान के युवाओं के साथ खड़ी बीजेपी यूपी के युवाओं के रोजगार की मांग पर चुप है। आज लखनऊ विधानसभा का घेराव करने पहुंचे बेरोजगारों को सरकार का साथ तक नहीं मिला, ना ही सरकार उन्हें कोई भरोसा दिला पाई। वहीं यूपी सरकार रैलियों में भर्तियों का बड़ा आंकड़ा गिनवाती है। यूपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4.5 साल में उन्होंने 6.65 लाख नौकरियां दी हैं। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ में 1,43,445, बेसिक शिक्षा विभाग में 1,25,987, राज्य लोक सेवा आयोग में 32,650, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 18,584, यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज में 15,004
यूपी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज में 1924, यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विद्युत सेवा आयोग लखनऊ में 6507, संविदा के माध्यम से रखे गए कर्मियों का आंकड़ा 47546, आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए कर्मियों का आंकड़ा 273657 है। यूपी सरकार के मुताबिक राज्य में कुल 6,65,339 बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है। इसके साथ ही सरकार का कहना है कि युवाओं को स्वरोजगार के मौके भी उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि इसके उलट राजस्थान सरकार ने 97,000 भर्तियां करने का दावा किया था, लेकिन अभी भी 50,000 भर्तियां लंबित हैं, जिनको जल्द भरने की मांग की जा रही है। सरकार की वजह से युवाओं को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लखनऊ में धरना दे रहे राजस्थान के पेन यादव का कहना है कि बेरोजगारी के मसले पर किसी भी दल को राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनका कहना है कि बेरोजगारी देश की समस्या है, इस मुद्दे पर सभी दलों को बात करनी चाहिए। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बेरोजगारी के मुद्दे पर जमकर बयानबाजी की जा रही है, लेकिन युवाओं की परेशानियों का समाधान अब तक कोई भी सरकार नहीं निकाल पा रही है। देश चैनल हॉक फीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें। गंगा एक्सप्रेसवे, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, 96% भूमि का अधिग्रहण हम लोग कर चुके हैं और इसी महीने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी कराने जा रहे हैं। बलिया लंक एक्सप्रेसवे, आप स्पीड देख सकते हैं, 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में 1.5 एक्सप्रेसवे बने थे, कुल 1.5 एक्सप्रेसवे, और 2017 से 21 के बीच में हम वर्तमान में 6 एक्सप्रेसवे पे कार्य कर रहे हैं, जिनमें से एक कंप्लीट हो चुका है, एक अगले माह पूरा होने जा रहा है, एक को हम 2022 के मध्य तक पूरा कर लेंगे और शेष दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पूरा हो चुका है और शेष एक्सप्रेसवे पर भी युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं, जिनमें से 5 को राज्य सरकार अपने रिसोर्सेज से बना रही है और एक पर भारत सरकार ने योगदान दिया है। एयर कनेक्टिविटी, यह वही उत्तर प्रदेश है, 24 से 25 करोड़ की आबादी के लिए हमारे प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, एक लखनऊ का और एक वाराणसी का। आज हमारे पास पिछले 5 वर्ष के दौरान हमने 9 एयरपोर्ट फंक्शनल किए हैं। इससे पहले 2017 तक प्रदेश के अंदर जो 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, केवल 25 गंतव्य स्थलों तक उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी थी। आज हम 80 से अधिक स्थलों पर, देश और दुनिया के 80 से अधिक स्थलों पर एयर कनेक्टिविटी से उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है। 11 एयरपोर्ट पर वर्तमान पे हमारे कार्य चल रहे हैं, जिन क्षेत्रों में कोई सोचता नहीं था, हम चित्रकूट में भी एयरपोर्ट बना रहे हैं, ललितपुर में एयरपोर्ट बन रहा है, सोनभद्र में हमारा एयरपोर्ट बन रहा है, इस आजमगढ़ के नाम से लोग भयभीत होते थे, वहां पे हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस उसी के बीच से होते हुए जा रहा है और वहां पर हमारा एक एयरपोर्ट बन रहा है। सहारनपुर में एयरपोर्ट का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, यानी 11 स्थलों पर हमारे नए एयरपोर्ट वर्तमान में बन रहे हैं और आप देखेंगे 2023 तक उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे।